हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। तो यदि दोस्तों आपने इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया है तो जैसा कि आपको पता है 1000 रुपये 10 जून को जो है सभी के बहनों के खाते में, जो पात्र बहनें जिनके DBT सक्रिय है उनके खाते में 1000 रुपये डल चुके हैं और दूसरी किस्त जो 10 जुलाई को डलने वाली है। और दोस्तों आपको पता है इसका दूसरा चरण या दूसरा पुनः आवेदन है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाली हैं या शुरू होने वाले हैं। कल 1 जुलाई है तो आपको 1 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, तो वो आवेदन शुरू होंगे कल से या नहीं होंगे या कब से जो है आवेदन शुरू होने वाले हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाले हैं कि दोस्तों आवेदन कल से शुरू होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि अभी भी मामा ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आना, साइट पर कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि कल से आवेदन शुरू होंगे या नहीं। या आपकी यूजर आईडी आप कोई भी देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आप सामान्य प्रश्न में देख लें तो यहाँ पर कोई दूसरे चरण या पुनः आवेदन की कोई भी स्थिति या अंतिम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस स्थिति में आपको ये जानना चाहते हैं कि कल से आवेदन शुरू होंगे या नहीं होंगे, 1 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताएं सारी जानकारी। चलिए दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जब से होंगे वो आपको बताते हैं, उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं वो आपको बता देते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत तो उसमें आपको कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखना और वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। तो सबसे पहला है आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर, आपकी जाति और डेट ऑफ बर्थ फुल मेंशन होनी चाहिए। तो अगर आपका अभी आधार कार्ड अभी भी अपडेट नहीं है तो आप जल्दी से जल्द अपडेट करा लें और अपडेट होने के बाद, क्योंकि 3 दिन बताते हैं लेकिन 4 से 5 दिन में आपका आधार कार्ड अपडेट होता है, तो उससे पहले आपको आधार कार्ड अपना अपडेट करा लेना है। आप विदाउट आधार कार्ड अपडेट के भी करा सकते हैं, उसके लिए आपको जो है कि समग्री KYC करानी होती है। तो समग्री KYC में आधार OTP और फिंगरप्रिंट दोनों के ऑप्शन है। तो अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट से भी KYC करा सकते हैं। अगर आपका आधार अपडेट रहेगा तो आपके आगे चल के अगर आप कभी भी आधार कार्ड अपडेट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड में कुछ नाम रहेगा और आपका जो है और आपकी समग्र आईडी में कुछ नाम रहेगा, तो आपको उसमें इसमें ऐसे हो सकता है आपके पैसे ना आए और आपका आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अपात्र भी आपको किया जा सकता है। तो इस स्थिति में आपको पहले से अपना आधार कार्ड अपडेट करा के रखना है। और दोस्तों आपको दूसरा काम आपको मैंने बता दिया कि अपनी KYC कंप्लीट करा लेनी है और अपना आधार कार्ड अपडेट कर लो। तीसरा काम यह है कि आपको बैंक के साथ आपका DBT लिंक होना अनिवार्य है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका बैंक के साथ DBT लिंक होगा तभी आपको, क्योंकि DBT के माध्यम से ही पैसे डल रहे हैं तो आपका DBT एक्टिव होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आपको ये 3 चीज़ें जो है पहले ही कर लेनी है। तो अब दोस्तों जान लेते हैं फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 1 जुलाई से शुरू होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई से अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आज 30 जून है तो अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल कि आपको 1 जून से ही आवेदन शुरू होने वाले हैं। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे अगर 1 जुलाई से होंगे तो मैं आपको शाम तक आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा कि आपको जो है वीडियो बना के बता दूँगा कि आवेदन होंगे या नहीं। अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको गैस करके बताऊं तो जहां तक है अभी आवेदन शुरू नहीं होंगे, क्योंकि आवेदन अभी शुरू हो जाएंगे तो 10 तारीख को जो पैसा डलने वाला है दूसरी किस्त, तो वो सभी बहनों को जिनके ना आवेदन होंगे उनको भी देनी पड़ेगी मामा जी को। तो वो दूसरी किस्त ना देंगे बहनों को, वो 10 जुलाई के बाद ही आवेदन शुरू करेंगे, जिससे उनको दूसरी किस्त का पैसा अभी जो बहनें रह गई हैं उनको ना देना पड़े और उनको अभी पैसा ना जाए। तो इस स्थिति में आप जाने कि 10 जुलाई के बाद 11 जुलाई या 15 जुलाई से जो है आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन होंगे पुनः शुरू। तो दोस्तों यही जानकारी थी कि आपको जो है अभी और 1 तारीख से हो सकते हैं आवेदन ना हो। तो अभी आप अगर होंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन जरूर दे देंगे। चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।